अलग तरीके से यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रमापुर सनदिया पंचायत के आरा प्रखंड के रामापुर सनदिया पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पंचायत भवन सभागार में चाइना और भारत के सीमा एलएसी पर हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए स्थानीय युवा एवं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री चंदन पांडे के नेतृत्व में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि राजेश्वर पासवान ने किया। सभा में वीर शहीद के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके बाद बारी बारी से सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की और वीर शहीद अमर रहे के नारे लगाए। शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि राजेश्वर पासवान, वार्ड अध्यक्ष के तिवारी, पिंकू पांडे, रोहित ठाकुर, मधुकर जी, झुन्नू बाबा, सबदन कुमार, नन्हे जी, अविनाश कुमार, अरुण कुमार, कन्हैया यादव, अनिल ओझा, प्रमोद पांडे सहित दर्जनों लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दी। देश के वीर शहीद अमर रहे, चीन ने भारत के जवानों पर कहा। आज सभी लोग अवगत हैं कि हमारे वीर योद्धा जिसके बदौलत हम लोग सुरक्षित हैं। चाइना ने जिस तरह से भीतरघात की राजनीति करके हमारे सैनिकों की हत्या की, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हमारे वीर शहीदों की कुर्बानी खाली न जाए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि चाइना सबक सीखे कि भारत के सैनिकों के साथ जो जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है, जिस तरह से क्षति की गई, उनकी हत्या की गई है, उनका जवाब दिया जाए। ऐसा जवाब दिया जाए कि हमेशा कोई भी शक्ति, कोई विदेशी शक्ति हमारे भारत पर, हमारे भारत के सैनिकों पर नज़र उठाने का दुस्साहस न कर सके। जिस तरीके से देखा जाए चीन के प्रोडक्ट को लेकर देश में विरोध जताया जा रहा है, लेकिन चीन के बहुत से प्रोडक्ट हैं हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसको हर व्यक्ति अपने आम जीवन में इस्तेमाल करता है। केवल कुछ चीज़ों को बहिष्कार करने से क्या लगता है कि चीन की अर्थव्यवस्था को हम क्षति पहुँचा सकेंगे? भारत के लोग प्रत्येक परिस्थिति में ढलने के लिए तैयार हैं और ढलते हैं। कोरोना जैसे महामारी में 3 महीने तक घर में रह गए, ऐसे विश्व में कहीं ऐसा कोई देश नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए खाए पीने बिना खाए पिए अपने घरों में रह गए नियम कानून का। तो जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और लोग, हमारे बड़े नेता पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ता ने चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया है, हम लोग मोबाइल नहीं चलाएंगे, उनका मोबाइल नहीं चलाएंगे, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट का सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग प्रण किए हैं और सभी जितने नौजवान हैं अपने अपने मोबाइल से जितने ऐप्स हैं चाइनीज ऐप्स हैं सब लोग डिलीट करना शुरू कर दिया है, डिलीट कर रहा है। मोबाइल भले मांगे हो, हम लोग दूसरे देश से मांगेंगे, लेकिन चाइना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग प्रण कर लिए हैं और ये भी मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ना हमें आज कोरोना में बहुत तरह का मांग किया गया था कि बिजली माफ कर दीजिए, खाद्य पदार्थ ये लाइए वो लाइए, हम नहीं। लेकिन हमारी मांग है कि माननीय मोदी जी, न हमें बिजली माफ चाहिए, न कर्ज माफ चाहिए, पूरा पैसा आप सेना में लगा दीजिए, चाइना को साफ कीजिए। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मन में चल रहा है
तो ये जो चीन का हरकत किया गया लोगों में काफ़ी गुस्सा है और इस तरीके का हमेशा देखा जाता है कहीं पाकिस्तान के द्वारा जो हरकत किया जाता है उसके बाद आज चीन ने तो हद ही कर दिया। देखिए इस परिस्थिति में भारत की जो भावना है, भारत की युवाओं की जो भावना है और देश के हर जनमानस में जो भावना है वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, नहीं बयां की जा सकती है। सिर्फ एक लाइन की मैं बात इतना आपसे बताना चाहूँगा कि आज मुझे और मुझे लगता है कि मेरे जैसे सभी युवाओं के मन में इस बात का मलाल होगा जो सेना में नहीं है कि काश उस जगह पे हम भी होते ताकि इस हरकत का माकूल जवाब हम दे पाते। हालांकि हमारे वीर जवानों ने जो भी शहीद हुए उन्होंने बहुत ही तरीके से माकूल जवाब दिया है, 20 के बदले हमने 40 गिराया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूं कि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए सेना को आदेश लेने लायक स्थिति में ना रखा जाए, पूरी तरीके से उनको जैसे एक मैदान पे, आप जानते हैं कि मैं खिलाड़ी रहा हूं, तो मैदान पर जिस तरीके से एक कप्तान को हर निर्णय लेने के लिए छूट होती है, ना उसे कोच से पूछना होता है ना मैनेजर से, उसी तरीके से सेना के जवानों को जो वहां पे हैं मौजूद बॉर्डर पे, उन्हें इस बात की छूट होनी चाहिए कि हमारे ऊपर अगर एक गोली चले तो हम 10 गोली फायर कर पाए। और देश आज ऐसा कर भी रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा दिया भी है, तो इसलिए हम समय के अनुसार माकूल जवाब भी देंगे, ऐसा मुझे आशा है, अनुभव है। और दो लाइन में कहना चाहूंगा अपने शहीदों के लिए, एक मैंने कविता लिखी है और उसमें दो चार लाइनें अभी और जोड़नी है, लेकिन मैं उसे कहूंगा, देश का शान बचाया आपने, देश का मान बचाया आपने, ऐ अमीर शहीदों लाज बचाया आपने, देश का शान बचाया आपने, देश का मान बचाया आपने, ऐ अमर शहीदों लाज बचाया आपने, आपके रहते हुए धरती हमारी आबाद है, आपकी रहते हुए हम आबाद है, और हर 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 समय हर खिदमत में आपने जान बिछाया आपने। इसलिए सेना के लिए जो भी कहा जाए कम है, मैं फिर से वंदन करता हूँ अपने सारे वीर सैनिकों के लिए और भारत के इन सपूतों के लिए, और हमें जब भी अवसर मिले हम देश की सेवा करें, इसी आशा के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पे मुखिया जी का भी आभार ताकि इन्होंने समय निकाला और देश के सपूतों को हमारे सारे युवा ने, रॉबिन जी हैं, हम लोगों ने ये कहा कि आज 2 मिनट का समय सबको निकालना चाहिए इन शहीदों के लिए। तो यही एक मन में भाव था कि हम लोग तो बॉर्डर पे नहीं हैं, लेकिन जो लोग हमारे बीच से निकल के हम चैन की नींद सो रहे हैं और ये अपनी नींद हराम करके वहाँ पे हमारी भारत माँ की आबरू बचा रहे हैं, उनके लिए हमने ये समय दिया, यही एक भाव था, इसके लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि बनाया। लेकिन भारत भी चीन को हमेशा मात दिया है, चाहे वो 67 में हो, चाहे वो 62 में हो और चाहे वो 2020 में हो, और ये जो हमारी जो सेना है वो बर्दाश्त नहीं करती है सर। हमारी सेना है जो हाथ मिलाना भी चाहती है और हाथ काटना भी चाहती है, और ये जो चाइना है हमेशा से गद्दारी किया है, हमें 62 में गद्दारी किया, 67 में गद्दारी किया और यह 2020 में भी गद्दारी किया, और हम लोग के हाथ बने नहीं हैं, हाथ काटना भी अभी आता है और हाथ मिलाना भी। लेकिन एक मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से आईटी सेक्टर में चीन आगे निकल चुका है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, मोबाइल सेक्टर, ये सब आगे निकल चुका है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम लोग जैसे युवा सबसे ज़्यादा चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ हम लोगों को कहा जाता है कि चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार किया जाए, लेकिन ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को बहिष्कार करने से क्या लगता है कि चीन का कोई नुकसान होगा? देखिए ये तो मान लीजिए कि छोटे छोटे भी छोटा छोटा भी अगर बाइकाट किया जाए, आज तो सरकार कह रही है कि अब ब्याज 4% लगता है सर केसीसी पर, उसमें अगर आप बाजार से उठाइएगा चाहे लोन लीजिएगा तो उसमें 12% 14% दीजिएगा, तो आत्मनिर्भर यही ना हुआ कि अपना दम पर ही अपना कुछ रोजगार कीजिए, स्किल डेवलपमेंट से सीख लीजिए, और मैं यानी चाइना का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ सर, चाइना का मुंह तोड़ जवाब हमेशा हम लोगों ने दिया है, 62 से 67 से 2020 आ गया ना सर, 2020 में ही चाइना सबक है, हमारे 20 जवान जो शहीद हैं उनके लिए हमें बहुत दिल में गुस्सा है कि 20 हमारे जवान शहीद हो गए, लेकिन एक तरफ देखिए तो खुशी है सर कि 20 जवान शहीद हो गए लेकिन 55 मार के आए हैं सर, कारगिल हमने जीता है सर, 99 में कारगिल हमने जीता है।